हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद हम यहाँ अपनी क्लास को कर रहे हैं। फिलहाल के लिए क्लासेस तो करनी ही करनी है, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही शेयर हो पाएगा। इस बार काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ, हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि चीज़ें आपकी प्रॉपर वे में हो जाएँ, आप लोगों की क्लासेस हो जाए, सेमेस्टर्स आपके क्लियर हो जाएँ। चलिए फिलहाल के लिए यह है कि अब क्लासेस की जाएंगे, रिजल्ट भी आ चुके हैं, चीज़ें भी हो चुकी हैं, सब बढ़िया है और फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट हो चुके हैं, तो क्लास करना तो अब मस्ट हो गया कि आप लोग भी क्लासेस करिए और मैं भी करूं। तो आप लोग समय पर आइए, 9 PM पे आपकी क्लास करेंगे। एक ही क्लास कर पाऊँगी, वो भी बड़ी मुश्किल से हो रही हैं चीज़ें, बट ये है कि मैं एक ज़रूर करूँगी ताकि आपको हेल्प मिलती रहे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, वो आपके लिए काफ़ी हेल्प, थोड़ी बहुत यही हेल्प हो जाएगी तो आप सेल्फ स्टडी से उतना बना लेंगे या कर लेंगे। ऑलरेडी आपने 2 सेमेस्टर दे रखे हैं तो आपको सारा ओवरऑल आइडिया कि क्या करना है कैसे करना है, तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आप जुड़े हुए मेरे साथ, मैं हूँ शाली, सभी का स्वागत है यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया है दोस्तों में शेयर करिए। आज हम यहाँ पर पेपर वन की क्लास कर रहे हैं, जहाँ पर हम आप ये कह सकते हैं कि जितना भी सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक बड़ा टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। और उसके बाद अब जो यहाँ पर हम क्लास करने चल रहे हैं, वहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, महत्व, विशेषताएँ, सिद्धांत, क्षेत्र, इसमें जितनी भी छोटी छोटी बड़ी जो भी रिलेवेंट चीज़ें आ रही हैं वो मैं यहाँ पर इस क्लास में पूरा क्लियर आपके साथ डिस्कस करूँगी, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं और इजी भी टॉपिक है, इसलिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, अब जैसे मूल्यांकन की बात हो रही है, ठीक है, मूल्यांकन की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं कि मूल्यांकन क्या है, लेकिन मूल्यांकन के साथ में आप ये देखेंगे कि इसमें एक नया शब्द और ऐड हुआ है, क्योंकि नया नहीं है, हमने जानना है, पढ़ना है, समझना है, सीखना है, पढ़े भी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा अब डिटेल में जानना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती नहीं मिलती हैं, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि सतत मूल्यांकन किसे कहते हैं, व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं, क्या लाभ होता है, क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, ज़रूरी कहाँ है, किस क्षेत्र में वो यूज़ कर रहे हैं, क्या सिद्धांत है, ऐसी कई सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं बहुत ही क्लियर, सबको दिख रहा होगा कि छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है एक सिस्टम वे में, एक सेटअप वे में चल रही हैं। तो छात्रों की जो विद्यालय आधारित स्कूल बेस्ड जो मूल्यांकन है, टेस्ट है, या जो भी चीज़ें एनालिसिस हो रही, जो भी है व्हाटएवर, ये एक प्रोसेस है, एक प्रणाली है जिसके तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यह एक अनिवार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया भी है। आप ये 2009 की जो बात इसमें मेंशन, जैसे आप कॉपी लिख रहे हैं तो ये चीज़ आप ब्लैक पेन से लिख दो, सेस आप जो है ब्लू से लिख दो तो वो हाईलाइटेड दिखता है। तो यहाँ पर है 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया, बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रियाओं में से ये एक होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो बच्चों के जो समुचित विकास है, रेगुलर विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसका एक कॉन्टिन्यूस वे में कह सकते हो और एक परफेक्टनेस वे में आकलन करना, एनालिसिस करना, समझना, देखना, जैसे विकास के सभी पहलुओं को विभिन्न विधियों और उपकरणों के द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है, जहाँ पर आप अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे उपकरणों के तरीके से, बहुत सारी विधियों के तरीके से, बहुत सारी तकनीकों के तरीके से, आप काफ़ी बड़ा एक यूज़र अमाउंट में काफ़ी विशाल तौर पर अच्छा सा आकलन कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझनी इसलिए क्योंकि इससे आप जैसे प्रश्न अलग अलग सेक्शन के बनेंगे, हम पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अलग आ जाता है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी ध्यान में रख कर काम करिए। ठीक है, चलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की वृद्धि और विकास में समस्त क्षेत्रों का समस्त और नियमित आकलन है। जी हाँ, मतलब बच्चों की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उनमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी फीचर्स आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ों को हमको बताना है, जिस जिस एरिया में डेवलपमेंट करना है, जिस तरफ हमको उनको सिखाना है या नियमित उन चीज़ों को बनाना है, तो वो सारा इसी प्रोसेस में आता है, जो कि सतत और व्यापक में ही कन्फिगर किया जाता है, देखा जाता है, उसके अंदर ले आते हैं, उसमें सिखाने का प्रयोग, क्योंकि उसे बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको हम समझ के सीख के उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके द्वारा विभिन्न विधियों और उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन भी किया जाता है, बच्चों का आकलन भी काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं।
इसे अच्छी तरह समझने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन में मौजूद तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप ऐसी कोई चीज़ को पढ़ रहे हो या कहीं आप अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी है, तो आपको तीन मेजर शब्द को बहुत ध्यान रखना है। एक है सतत, जो कॉन्टिन्यूस वे में है, एक है व्यापक, एक है मूल्यांकन। इनको जानो, इस वर्ड में बहुत बड़ी बात छिपी है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ सिंपल और सतत मूल्यांकन किसे कहते हैं, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, सतत मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए, व्यापक मूल्यांकन के दोष बताइए। ऐसे दो दो की टर्म्स टाइप के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, तो जब पता होगा, समझे होंगे, लिखे होंगे, किए होंगे, तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन की, तो ये क्या है, ये देखो, मूल्यांकन कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ बच्चों को सीखने की जो गति है, ठीक है, जो उनकी अवधारणाएं हैं, जो उनका ज्ञान है, जो अभिवृद्धि है, कौशल है, व्यवहार है, अनुभव है आदि को जानने के लिए योजनाबद्ध तरीके से साक्ष्यों का संकलन करना, विश्लेषण करना, व्याख्या देना, सुझाव देने की प्रक्रिया है, जहाँ पर हम एक प्री प्लान वे में अब बच्चों के सिखाने के प्रोसेस में गति ले आना, उनके उस एक आपने सरल वक्र, नतोदर वक्र वगैरह पढ़ा था, वो चीज़ें इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जहाँ पर आप बहुत सारी अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेते हुए, उनके ज्ञान में, उनकी अभिवृद्धि में, उनकी कौशल्स के लिए, उनके व्यवहार के लिए आदि को जानने के लिए आप प्री प्लान वे में हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं, समझते हैं, हर पॉइंट पे नज़र दौड़ाते हैं कि कहाँ पर क्या है, किस बच्चे में क्या है, किसको क्या सिखाना, क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सही तरीके से करवाने के लिए, सही तरीके से समझाने के लिए, ताकि एक स्टूडेंट का बढ़िया डेवलपमेंट एक शिक्षक के तौर पर आपके हाथों से संपन्न हो सके। तो आपको ये सारे जो टी टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप किसी को कोई चीज़ व्याकरण में मूल्यांकन कर रहे हैं या मूल्यांकन प्रक्रिया में कोई रोल निभा रहे हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा, ताकि वो चीज़ प्रॉपर तरीके से हो जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बच्चों का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, हर चीज़ का मूल्यांकन करना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के अगर हम बात करते हैं, स्कूल फील्ड की बात करते हैं, तो वो वाकई में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया जितनी बेहतर होगी, विकास की गति भी उतनी ही बेहतर होगी, क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक सुधार कर जो उपलब्धि स्तर को बढ़ाया सकता है, जहाँ पर हम कई चीज़ों को सुधार कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उनके लेवल में चेंजेस ला सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन प्रक्रिया उतनी ही बेहतर होगी, जितना बढ़िया आप कोई भी चीज़ शुरुआत कर रहे हैं या उसमें चेंजेस ला रहे हैं, कुछ बढ़िया नया कर रहे हैं जिससे बच्चों की ग्रोथ हो रही है, बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो चीज़ तो आप ये बात जान ही रहे हैं कि उससे फिर क्या है, आपका किया हुआ काम बेहतर होगा, लेवल आपका ग्रेड होगा, अपग्रेड होगा, और आप एक अच्छी चीज़ों को ध्यान में रख के काम कर पाएंगे। तो आपको ये सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन में दोनों चीज़ों को अच्छे से लिखना होगा। इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस आपको हमेशा से बोली क्वेश्चंस करवाऊंगी। अब की बार का जो सिलेबस है वो बड़ा भी है, साथ ही साथ काफ़ी अलग तरीके से है, तो पढ़ते जाइए, आराम से लिख लीजिएगा, साफ साफ राइटिंग में लिखिएगा, सब कुछ नंबर अच्छा मिल जाएगा, बहुत टेंशन लीजिए मत, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोनों के बीच का छोटा छोटा अंतर, मूल्यांकन और आकलन में अंतर क्या है। दोनों शब्द हम खूब यूज़ कर रहे हैं, हम बार बार देख रहे हो जहाँ पे मूल्यांकन मूल्यांकन यूज, वो खूब यूज, आकलन भी खूब यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों में एक डिफरेंस है। आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए की जाती है, जो आकलन होता है वो एक कॉन्टिन्यूस वे में चलना हुआ है, तो एक रफ्तार वे में चलने वाला प्रोसेस है, प्रक्रिया होती है, जहाँ पर छोटे छोटे उद्देश्य के लिए क्या जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, छोटे छोटे उद्देश्य को ध्यान में रखा, आकलन में निरंतर सुधार किया जाता है। हम जैसे कोई चीज़ पाइपलाइन चल रही है, हुई ब्रेक लगा, तो हमने वहाँ पे ही डिटेक्ट किया कि प्रॉब्लम कहाँ आई, ठीक, हमने इसको सुधार किया, सुधर गया ये। जैसे कोई बच्चा रीडिंग कर रहा है, तो रीडिंग करते समय क्या हो रहा है कि वो वहीं पे गलत हो रहा, तो आपको वहीं पे उसे टोकना है और उसको तुरंत वहीं पे करेक्ट कराना है। फिर आपने इसको तो करेक्ट करा दिया, फिर आप आगे बढ़े, फिर थोड़ी कोई प्रॉब्लम आई, किसी और आगे बढ़े, फिर किसी दूसरे को प्रॉब्लम आई। तो यहाँ पर क्या है कि ये आकलन ऐसा होता है जहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, रेगुलर बेसिस से सुधार कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो तुरंत सिखाया हुआ या उस चीज़ तुरंत बताया हुआ काफ़ी इसका फर्क पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है। मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए क्या, लेकिन जो मूल्यांकन है
वो एक स्पेशल उद्देश्य ऑब्जेक्ट के लिए ही किया जाता है, जहाँ पर मूल्यांकन में बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को फीडबैक भी काफ़ी प्राप्त होता है और उनकी उन्नति का आधार ही बना रहता है, जहाँ पर हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी होगी। अगर दोनों में अंतर पूछता है या लिखने को आता है तो क्लियर पता है तो ज़रूर लिखिए, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सभी को? एनी प्रॉब्लम एनी वन? होपफुली बहुत सिंपल तरीके से बताया। फटाफट क्लास को लाइक कीजिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना है तो लाइक करना है। और आप लोग अपनी पंचुअलिटी फिर से बनाइए, सभी गर्ल्स सभी बॉयज़ जितने भी हैं टाइम टू टाइम आइए, सबके फीडबैक्स मिलेंगे, सबके कॉमेंट्स आएंगे, तो आप लोग के व्यूज़ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मेरी क्लास भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। तो वो आपको करना होगा, वो आपके ही हाथ में है। क्लियर? चलो फटाफट लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका जो और टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ऑल सेट? आई थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें काफ़ी इजी हैं और बहुत ही बेहतर हैं, आप काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, फटाफट कर लेते हैं आगे, चीज़ों को देखते हैं ताकि दिक्कतें ना हो। तो ये मैंने आपको बहुत ही क्लियर यहाँ पर बता दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर ये अंतर अगर लिखने को आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों के बीच डिफरेंस हमसे पूछ लेता है, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, तो वो मैंने आपको बता दिया है। बात कर लेते हैं सतत मूल्यांकन क्या होता है। तो आप लिखेंगे सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार, कॉन्टिन्यूस वे में। आप ये बात बहुत अच्छे से, मैं हमेशा कहती हूँ कि पंचुअलिटी बनाइए, कॉन्टिन्यूस वे में अगर कोई काम आप कर रहे हैं, हो रहा है, तो वो रिजल्ट हमें काफ़ी बेहतर देता है। इसलिए मैं कहती हूँ एक दिन एक बैग मत पढ़ो, लगातार पढ़ो, ठीक है? वन बाई वन करके पढ़ो, चीज़ों को समझ में आएगा। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें बच्चों का आकलन सतत एवं निरंतर रूप से किया जा सकता है, जहाँ पर पूरे वर्ष औपचारिक अनौपचारिक रूप से चलता है, कभी हम फॉर्मल तरीके से, कभी इनफॉर्मल तरीके से, मतलब हम सीख रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूस वे में चीज़ों कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको भी कंडक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से चीज़ें हम करते हैं। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली होती है, जहाँ पर ये दोनों एक ही साथ पैरेलली रन करते हैं। इसमें ना कि सिर्फ जो कि कोई विषय आधारित है, बल्कि सहपाठ कैरिकुलम है, एक्टिविटीज़ है, कुछ भी है, तो नियमित रूप से हम उसका भी आकलन करते हैं, वो भी चीज़ चलती जाती है, सीखते जाते हैं, लर्न करते आते हैं, जहाँ पर फॉल डाउन होता है उसमें फिर कॉन्टिन्यूस कुछ चेंजेस लाते हैं, नया रूल्स लगाते हैं, अपडेशन करते हैं, ऐसी चीज़ें जब हम करते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये मूल्यांकन सभी स्तर के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी को फॉलो करना चाहिए, हर सब्जेक्ट में करना चाहिए, लाइफ में करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप कॉन्टिन्यूस बने हो, पंचुअलिटी बनाए हो, मेंटेन किए हो, लेवल है, तो वो आपको रिजल्ट, आपको फाइनल टिक मिलना ही मिलना है। तो ये बच्चों के लिए लगातार होना बहुत, अब आपको क्या होगा कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन इसका बन सकता है, क्या कहते हैं, क्या होता है, आप क्या समझते हैं, अभिप्राय बताइए, अपने शब्दों में बताइए, कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें आएंगी, ठीक है? तो ये मैंने आपको सतत बताया। व्यापक मूल्यांकन में कहते हैं कि व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त कौशलों और गुणों का विकास, मतलब होल डेवलपमेंट, किसी एक को पकड़ के मत करो, किसी एक दिशा में करो, सब कुछ हर जगह बढ़िया विकास करो, शारीरिक बढ़िया हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, संवेगात्मक, हर तरफ से एकदम फुल डेवलप्ड हो, सिंपल हो, बढ़िया हो, अच्छा नागरिक हो, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब बताओ, विकास धीरे से ही हो लेकिन काफ़ी लॉन्ग टर्म तक हो, हर चीज़ को जितनी चीज़ें रिलेवेंट हैं, जितने इंपॉर्टेंट है, जो जो पता होना चाहिए उन सब के बारे में बताओ, उनका एनालिसिस करो, उन पर डिस्कशन करो, डिबेट करो, इंटरव्यू लो, कुछ भी करो, लेकिन उन्हें बेहतर बेहतर तरीके से सिखाओ, बेहतर बताओ, समझो, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए और आप यूनिक तरीके से, बेहतर तरीके से उस चीज़ को अच्छे से कर पाओ, समझ पाओ, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो और वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाए। क्योंकि जो मूल्यांकन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मूल्यांकन दोनों सेक्टर का इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो वो आपको करने के लिए आपको उसको एनालिसिस करना होगा, सीखना होगा, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमने बाल विकास में बहुत बार पढ़ रखी है कि होल डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना बच्चों का, टीचर का दायित्व होता है। तो वो बच्चे वहाँ पर आते हैं और हम उनको व्यापक तरीके से हर चीज़ सिखाते हैं। तो व्यापक में सतत कहीं ना कहीं छिपा होता है, क्योंकि व्यापक तभी होगा जब आप सतत को फॉलो करोगे। सतत फॉलो करोगे तो आप हर दिन के समय के हिसाब से हर चीज़ को उतना समय दे पाओगे, तो वो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है काफ़ी अच्छी हुई है, हमने शुरुआत तो की है, अब हम 15 मिनट की, मेरा अब जो गैपिंग हो रहा था वो नहीं होगा,
तो इसके लिए लेकिन आपका सपोर्ट है, आप सपोर्ट करोगे तभी मैं छोटी छोटी क्लासेस ही कर पाऊंगी, लेकिन क्लास ज़रूर करूंगी। जैसे फर्स्ट की कर रही हूँ आपकी भी करूंगी, तो आप लोग अपना साथ दो, साथ पे आओ, समय पर देखो, 9 पीपल कर रहे हैं, टेलीग्राम पर जुड़े रहो ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, जम के मेहनत कर लेंगे तो चीज़ें हमारी काफ़ी आसान पहले की तरह फिर से हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।